इसको बचाने के लिए ये सर्व किया है इन्होंने। इस्तांबुल एयरपोर्ट पे आ चुके हैं हम लोग, रांची से इस्तांबुल और इस्तांबुल से न्यू जर्सी जाना होगा। बड़ा खूबसूरत एयरपोर्ट है इस्तांबुल। इमिग्रेशन की तरफ बैगेज की तरफ जा रहे हैं क्लियर करने के लिए। 12:20 कम है, हर जगह खूबसूरत गाड़ियां लगाई गई हैं। आइए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। एयरपोर्ट पे माशाल्लाह हर ब्रांड की शॉप्स मौजूद है। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ा दुनिया का ये एयरपोर्ट है इस्तांबुल। एक वक्त में तकरीबन 500 के करीब एरोप्लेन यहाँ लैंड करते हैं। बहुत खूबसूरत आर्टिस्टिक, हर जगह आर्टिस्टिक वर्क नज़र आता है। आइए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। ये देखें यार, हमारा तकरीबन 7 घंटे का स्टे है यहाँ से न्यू जर्सी जाने के लिए। न्यू वर्क एयरपोर्ट जो कि अब लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया गया है इसको, वहाँ जाना है। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट पे तकरीबन 2 के करीब तो 5-स्टार होटल्स हैं। यहाँ पे जगह जगह ड्यूटी फ्री शॉप्स मौजूद हैं। हर जगह मुसाफिरों की आमदरफ दुनिया भर से यहाँ रहती है। आइए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। 1 घंटे वाईफाई भी यहाँ फ्री है, वाईफाई। इसमें तो अगर पूरा एयरपोर्ट के लिए तो बोगी इस्तेमाल की जाए, बोगी यहाँ पे फ्री है, आप उस पर राइड कर सकते हैं बोगी पर। यहाँ तमाम टाइमिंग दी गई है जहाज़ की। इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे हैं, हम कराची से यहाँ इस्तांबुल पहुँचे हैं। ऊपर फूड कोर्ट है, ऊपर के एरिया में फूड कोर्ट है। यहाँ से आप कार्ड ले सकते हैं पेमेंट दे के, अगर आपके पास सामान है बहुत सारा। अभी मैं आपको ओल्ड बाज़ार की तरफ भी ले चलता हूँ। ओल्ड बाज़ार में तमाम चीज़ें, तुर्किश का ओल्ड बाज़ार में दिखाता हूँ आपको। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, माशाल्लाह, थैंक यू। ये देखिए मैं आपको ओल्ड बाज़ार की तरफ ले चलता हूँ। आइए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। ये ओल्ड बाज़ार है, तुर्किश ओल्ड बाज़ार। बहुत ही इनकी कल्चर जो तुर्क का है वो सारी चीज़ें यहाँ रखी गई हैं। देखिए आपको तुर्क के कल्चर के बारे में बताते जाऊँ, आपका दिल खुश हो जाएगा देखकर। ये देखें, कितनी खूबसूरत टी स्पॉट, ग्लास, कप, हर चीज़ मौजूद है यहाँ पे। तुर्क का रंग नज़र आ रहा है इसमें पूरा। दिल करेगा कि सब चीज़ें परचेस कर ली जाए माशाल्लाह। देखें कैसा अरबिक डिज़ाइन है, देखें
ऐसी ऐसी प्यारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं कि अकल दंग रह जाती है कि कितना ज़बरदस्त। कैंडीज माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ ये लोग यूरो में परा लेते हैं पेमेंट? ये जो आपको 490 यूरो, ये 490 यूरो, ये 10 यूरो की है। ये हलवा यहाँ के बड़े मशहूर है, तो सबसे ज़बरदस्त हलवे हो यहाँ के तुर्की के। मिठाइयाँ यहाँ की, बकलवा जो हमने जब आए थे वहाँ से न्यू जर्सी से यहाँ इस्तांबुल में, तो लेके गए थे हम। ये देखिए, दुनिया भर की चीज़ें मौजूद हैं, मेड इन तुर्की है ये सब। अचार तुर्की का, ये देखिए स्वीट्स। ये एक्सचेंज रेट यहाँ दिए हुए हैं, डॉलर के एक्सचेंज रेट दिए हुए, देखिए जो करेंसी आपको चेंज करानी हो आप चेंज करा सकते हैं। बेइंतहा खूबसूरत एयरपोर्ट। यहाँ देखिए इनका म्यूज़ियम भी है, प्लीज़ विजिट द म्यूज़ियम फॉर मोर। अगर म्यूज़ियम देखना है तो ये यहाँ पे एयरो दे रहे हैं वो जाने के लिए। वहाँ भी चल के देखते हैं इनका म्यूज़ियम। ड्यूटी फ्री शॉप की तो भरमार है समझे, हर तरह की आइटम मौजूद है ड्यूटी फ्री शॉप में। बच्चों के टॉयज़ भी मौजूद हैं, ये देखिए बच्चों के टॉयज़, ये बच्चों के टॉयज़ हैं। डिस्काउंट में है सारी। वॉच देखें कितनी ज़बरदस्त, ये वॉच का है स्टॉल। ये देखिए वॉच, कितनी बेहतरीन वॉच, ऑप्टिकल भी रखे हुए हैं। परफ्यूम शॉप है ये, परफ्यूम शॉप, ड्यूटी फ्री शॉप में परफ्यूम शॉप का ये सेक्शन है। एक इस्तांबुल एयरपोर्ट पे मेरा एक और भी व्लॉग मौजूद है, इसमें लिस्ट में आप देखिएगा वीडियो की। 4 महीने पहले जब हम जा रहे थे न्यू जर्सी अमेरिका, तो उस वक्त मैंने बनाई थी। ड्रिंकिंग वाटर है, हॉट वाटर भी है और वो भी है ड्रिंकिंग वाटर। बच्चों के लिए टॉय शॉप है ये, टॉयज़ और इलेक्ट्रॉनिक की दोनों चीज़ें दस्तियाब हैं। ये देखें न्यू अराइवल है, हर तरह के टॉयज़ मौजूद हैं।
गाड़ियाँ वगैरह सब देखे, स्कूटर गाड़ियाँ सब इलेक्ट्रॉनिक हैं जितनी भी। ये देखिए गाड़ियाँ, गेम्स मौजूद हैं यहाँ पे सब। गेम्स देखिए कितने ज़बरदस्त गेम्स हैं यहाँ, बच्चों की बड़ों की सबकी वैरायटी मौजूद है यहाँ पे। स्पेस मौजूद है, ये देखें कितना ज़बरदस्त है माशाल्लाह। सब की क्या देखे गाड़ियाँ तरह तरह की, देखिए लैपटॉप वगैरह देख रहे कितना अच्छा। और ये हमारे हर तरह की चीज़ें मौजूद हैं, बेहतरीन। ये ड्रोन देखिए, बहुत ही बेहतर है भाई। इंसान परचेज ही करता रहे हर चीज़ें यहाँ पे। क्या क्या खरीदे, इस्तांबुल एयरपोर्ट पे माशाल्लाह इतनी वैरायटीज, इतनी चीज़ें हैं। खरीदार परचेज बहुत सारा करते हैं, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है ये, तो एक 1% भी नहीं है। कई घंटे लगे असल में इसमें, यहाँ अगर वॉकिंग की जाए और हर जगह घुमा जाए तो कई घंटे दरकरार है। मगर मैं कोशिश करता हूँ कि अभी मैं वेट कर रहा हूँ हमारे न्यू जर्सी जाने के लिए। हमारा प्लेन भी अभी लगने वाला है, कराची से यहाँ पहुँचे हैं, 12 बज रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं इस वक्त। आइए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। ये फ्री वाईफाई की सहूलत है यहाँ पे, एक आवर एक घंटे के लिए। आपको अपना पासपोर्ट यहाँ स्कैन करना पड़ेगा इस साइड पे, तो आपको एयरपोर्ट की वाईफाई की सहूलत मिल जाएगी एक घंटे के लिए बिल्कुल फ्री। इस साइड पे आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करना पड़ेगा। देखें लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं ये कर रहे हैं अपने पासपोर्ट को स्कैन वाईफाई के लिए। ये सहूलत मौजूद है फ्री वाईफाई। ट्रेवलर रीडर्स चॉइस अवार्ड मिला है, कोई मैगजीन है यहाँ का उसको। बहुत ही आलीशान, खूबसूरत, साफ सुथरा एयरपोर्ट है ये इस्तांबुल। ये जगह जगह बड़े बड़े स्क्रीन लगाए हुए हैं, यहाँ लोग अपना फ्लाइट का टाइम गेट वगैरह देखते हैं कि कौन से गेट पे इनकी फ्लाइट लगेगी। लोग नोट करके उस गेट तक जाते हैं, फ्लाइट नंबर है, डिस्टेंशन है, कहाँ जाना है, गेट नंबर है, स्टेटस बताते हैं कि गो टू गेट, ये सब ये बताया जाता है यहाँ पे। मैं भी अपना लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का देखने के लिए आया हूँ, न्यू वर्क न्यू जर्सी का। अभी चूँकि मेरा टाइम नहीं आया, इस वक्त जो है 15:05 यानी 5:05 तक की शाम के फ्लाइट का टाइम आ चुका है। मेरा चूँकि 6 बजे के बाद का है तो थोड़ी देर में मेरा भी गेट आ जाएगा कि मुझे किस गेट पे जाना है। मेरी मिसेस वहाँ रेस्ट कर रही है सोफे पे, तो मैंने कहा कि चले थोड़ा सा वॉकिंग टूर हो जाए इस्तांबुल का एयरपोर्ट का। जगह जगह वाईफाई फ्री सहूलत मौजूद है यहाँ पे। इतने बड़े बड़े
ड्यूटी फ्री शॉप मौजूद है। हर तरफ एक्सपो हो रहा है, यहाँ पे प्रॉपर्टी एक्सपो उसकी यहाँ स्टॉल लगा हुआ है, प्रॉपर्टी एक्सपो का। इंसान को जब मौका मिले तो ज़रूर यहाँ आए इस्तांबुल का एयरपोर्ट देखे, दिल बाग बाग हो जाएगा उसका। लोग अपने फ्लाइट का टाइम वगैरह देख रहे हैं, सब मौजूद है यहाँ पे। रेस्टोरेंट इतने सारे मौजूद हैं यहाँ पे, फूड कोर्ट एरिया ऊपर भी है बहुत बड़ा। ये देखिए तुर्किश डिलाइट बकलावा जो है यहाँ की खास मिठाई है बकलावा। यहाँ देखिए पिज़्ज़ा और हर तरह की चिकन और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे। ये देखिए खाने की, पेस्ट्री देखिए कितनी, पिज़्ज़ा देखिए। मैं अपने फ्री जो वाईफाई के लिए मैं अपना पासपोर्ट स्कैन कर रहा हूँ, तो इसके बाद मुझे ये कवर जो है ना फ्री मिल जाएगा वाईफाई का इस्तांबुल एयरपोर्ट पे। देखिए मैं वाईफाई ये मैं स्कैन कर रहा हूँ यहाँ पे अपना पासपोर्ट, ये मैंने स्कैन कर दिया है और ये 1 आवर फ्री का ये लिख दिया हुआ है। अब मुझे ये प्रिंट देगा एक, मुझे ये प्रिंट का कोड मैं अपने इसमें डाल दूँगा ये वाला कोड, तो ये फिर मेरा फ्री हो जाएगा सारा वाईफाई का। ये मेरा रसीद है वो, और ये मेरा स्कैन हो गया है। तो अब मैं अपना एक कोड इसमें डाल दूंगा ये जो मुझे मिला है। आइए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। देखें ये टॉप गाड़ी का डिस्प्ले किया गया है यहाँ पे, लोग देख रहे हैं यहाँ। कितनी खूबसूरत गाड़ी है ये, कंपनी ने अपने या तो ये फेस्टिवल में मेरे ख्याल में रखी गई है इन्होंने इनाम के लिए, मगर बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है ये। देखो जदीद टेक्नोलॉजी पे बनाई गई है कार, देखिए आप टॉप कार का नाम टॉप। आइए मैं आपको आगे ले चलता हूँ।
हर्मेस, ये हर्मेस जो है ब्रांड है कोटी का, वेनेटा ब्रांड के यहाँ देखिए पर्स वगैरह। और बोटी का ब्रांड के ज्वेलरी के है सब, ये सेंट लॉरेंट, सेंट लॉरेंट यहाँ पे, ये इसके भी पर्स है देखिए, सेंट लॉरेंट के पर्स यहाँ पे। और ये प्राडा, प्राडा के पर्स हैं ख़वातीन के। ये पोर्शन जो है ये पर्स का है सारा, फेंडी, फेंडी ब्रांड देखें इसके पर्स है यहाँ पे। गोसी, गोसी के नाम से ये, से लॉर्ड पियानो, सेलिन, कितने खूबसूरत खूबसूरत पर्स हैं। यकीनन ये ब्रांड इतने बड़े बड़े नाम हैं तो इनकी प्राइजेस भी हजारों लाखों में होगी। डियोर के नाम से है, हर जगह मस्जिद एरिया भी है। लोइस, बल्गारी,